नमस्कार दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि खाने के अंदर उसकी रंगत और उसका स्वाद दोनों ही बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और खाने का स्वाद केवल मसालों से नहीं होता। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपने खाना बनाया हो और उसके अंदर बहुत सारे मसालों का प्रयोग भी किया हो, लेकिन नमक डालना भूल गए हो? क्या आपको तब भी वो खाना उतना ही स्वादिष्ट लगा है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि सारे मसाले डालने के बावजूद भी अगर खाने के अंदर नमक जरा सा भी 19-20 हो जाए तो पूरे खाने का रंगत और टेस्ट दोनों ही बदल जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम अपने खाने के अंदर नमक की मात्रा का ध्यान रखते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हम अपने बच्चों के खाने के अंदर नमक की मात्रा का ध्यान रखें। जी हाँ, बच्चों को कितना नमक खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है ध्यान देने के लिए, क्योंकि नमक के अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बहुत सालों पहले एक शोध से बात सामने आई थी कि एक स्त्री ने आत्महत्या करने के लिए अपनी एक उंगली को नमक के कटोरे में डुबोकर रखा था और एक हफ्ते तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। नमक के अंदर इतना सोडियम था कि उसकी बॉडी गलना शुरू हो गई थी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने खाने के अंदर नमक की मात्रा को इतना संतुलित कर ले कि वो हमारी बॉडी को सोडियम तो दे और हमें घेंगा रोग से भी बचाए, लेकिन ओवरफ्लो होकर वो हमारी बॉडी को गलाना शुरू ना करे। जब भी बात आती है बच्चों के बारे में, तो उनकी हड्डियां और मांस बड़ों से काफी ज्यादा कमजोर और नाजुक होते हैं। इसीलिए बच्चों के खाने के अंदर नमक की मात्रा को सही रखना बहुत जरूरी है। बच्चों की खाने में काफी ज्यादा आनाकानी होती है। अगर उनकी पसंद का खाना ना बने तो वो खाने को छूना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब बात हो बच्चों के खाने के अंदर स्वाद को बढ़ाने की, तो आप नई नई वेरिएशन कर सकते हैं, नई नई चीजें बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। लेकिन गलती से भी बच्चों के खाने में नमक को तेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर की हड्डी बढ़ने की या फिर शरीर की हड्डियां गलने की समस्या ज्यादा होती है। इसीलिए दोस्तों, अपने खाने के अंदर नमक की मात्रा को संजोना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।